की वजह से आज ये पॉसिबल हो पाया कि हम लोग पहले मम्मी वृंदावन घूमने आई थी। मम्मी अब ज़्यादा मज़ा आ रहा है, पहले ज़्यादा मज़ा आ रहा था, अब अच्छा लगा। क्यों मम्मी? अब क्यों? मम्मी कह रही है फैमिली के साथ अच्छा लगता है। मम्मी प्रेम मंदिर जा रहे हैं वो हम लोग, पहले अपने फ्रेंड जोन में आई थी, पहले जो आई थी मम्मी हमारी वो आई थी फ्रेंड जोन में। जब अच्छा नहीं लगा, जब अच्छा नहीं लगा, अपने बच्चों के साथ अच्छा लगता है। और होटल कैसा लगा मम्मी? बहुत बढ़िया लगा। होटल बढ़िया, गाड़ी बढ़िया, और मम्मी ने बाकी चलिए 500 रुपये मिल जाएंगे इस तारीफ के लिए। जैसा कि आप लोगों ने पिछले पार्ट में देखा कि हमने श्री बांके बिहारी जी के दर्शन कर लिए थे, तो अब हम लोग श्री बंदा धाम में रुकने के बाद हम लोग प्रेम मंदिर की तरफ जा रहे हैं। और श्री बंदा धाम का कॉस्ट ओनली 1000 रुपये थी और काफ़ी अच्छी सुविधा थी। एसी रूम भी थे और नॉन एसी रूम भी थे और नियर बाई ही था, बिल्कुल 500 मीटर पास में ही था प्रेम मंदिर। जा रहे हैं प्रेम मंदिर और यहाँ पे हम लोगों ने स्टे किया था। चले भाई प्रेम मंदिर, तो ये भाई हमें घुमाएगा प्रेम मंदिर सारी, इसको विजिट सारे सब कुछ पता है वृंदावन के बारे में। तो कोई बंदा आए तो इससे विजिट करे, ये देखो यह ट्रॉली का बंदा है और ये सब कुछ जानता है यहाँ के बारे में। यहाँ से कुल 600 मीटर दूर है, काफ़ी बढ़िया। हम लोग 5 बजे निकल चुके हैं और पैदल जा रहे हैं हम लोग अपने जहाँ हमने स्टे किया था, काफ़ी बढ़िया स्टे है। कुल 500 मीटर दूर है यहाँ से और यहाँ पर भी रुकने के काफ़ी साधन हैं और सस्ते साधन हैं, ज़्यादा कॉस्टली नहीं है यहाँ पर। ये देखिए व्यू, शाम का नज़ारा। ये हम श्री हरी पैलेस के जस्ट सामने वाली गली में हम लोग रुके थे, सारे लोग आ गए हैं, छपरी लोग। चलो चलो सीधे 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 चलना है। हम लोग कितना खाने पीने की व्यवस्था काफ़ी अच्छी है, कोई इशू नहीं है यहाँ पे। देखिए शाम की तैयारी सारे लोग कर रहे हैं। ये बालाजी भोजनालय, वेज सारे जो भी इतने रेस्टोरेंट हैं यहाँ पे वो वेजिटेरियन ही है और हम भी आशा करते हैं कि वेजिटेरियन ही खाएं। ये अपना परी सानवी भी जा रही है, आंटी हमको डाल देना है वीडियो वहाँ पर, मोबाइल बीत गए। अब babbeti.com और हमारी आंटी लड्डू गोपाल साथ लेके चलती हैं जहाँ भी जाती हैं। और हम लोग प्रेम मंदिर जा रहे हैं, अब चाचा जी भी जा रहे हैं पीछे, पापा babbeti.com। काफ़ी अच्छा लग रहा है शाम का टाइम यहाँ पर, अगर आप गाड़ी से आए हैं तो पीछे ही स्टे वगैरह ले लें और वरना यहाँ पर उसके बाद, क्योंकि प्रेम मंदिर यहाँ से नज़दीक ही है तो खाने पीने की व्यवस्था की कोई इशू नहीं है, खाना भी ना बहुत बढ़िया। और वो थोड़े पीछे रह गए हैं, अब दिखाना चाह रहा हूँ हमारे नहीं छोड़ेंगे लगे। भैया कितने तरीके का पानी है? 5 तरीके। और गोपाल यहाँ पे गोलगप्पे मार रहे हैं और ये यहाँ से हम लोग पहुँच चुके हैं, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं रहा है, ओनली 140 मीटर रह गया है यहाँ से प्रेम मंदिर, तो बहुत नज़दीक आ चुके हैं हम लोग। और काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर सारे वक्त लोगों को देखते हुए। और स्टार्ट इन्होंने, बाकी अगर मार्केट की बात करें तो यहाँ पे लोकल मार्केट भी अवेलेबल है, तो खाने पीने की व्यवस्था और होटल वगैरह की तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यहाँ पर मार्केट्स ऑल्सो हैं, यहाँ पर अच्छा है काफ़ी। और यहाँ का मशहूर पेड़ा, ब्रजवासी पेड़ा। चलते हैं अब हम लोग थोड़ा बचते बचाते गाय माताओं के साथ, और ये बच्चे काफ़ी बढ़िया नज़ारा, बस 100 मीटर दूर हैं अब हम प्रेम मंदिर, काफ़ी अच्छा लग रहा है भाई।
ये कुछ लोग खड़े हुए हैं पता नहीं, और यहाँ पे रेस्टोरेंट भी है, स्वीट गुड वेरी गुड। ये देखिए और पूजा और पापा थोड़ा हम लोग प्रेम मंदिर में अभी हम लोग एंट्री कर रहे हैं प्रेम मंदिर में, और यहाँ से एंट्री का और यहाँ पर डिवाइडेशन कर रखा है रेडियस का। और हम लोग चेकिंग के लिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से, हम लोग एंटर कर चुके हैं प्रेम मंदिर के अंदर, और देन तो लोग फोटोशूट्स तो नॉर्मल हैं सारे लोग फोटो सेशन में, बट और हम लोग अंदर जा रहे हैं, पीछे लोग आ रहे हैं हमारे सारे जितने भी बंदे यहाँ पर, और काफी सुंदर नज़ारा, काफी सुंदर व्यू दृश्य यहाँ पर देखे घूम कर देता हूँ, और मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ प्रेम मंदिर में, लेकिन रिस्ट्रिक्शन भी दिए गए हैं, जूते इतना उतारे हैं आपको। दिस इज द ब्यूटी, मैं एक सेकंड के लिए यहाँ पे आप लोगों को दिस इज द ब्यूटी। और हम लोग आगे बढ़ते हुए प्रेम मंदिर में, अभी हम लोगों ने यहाँ फोटो सेशन किया था, इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हुए, थोड़ी धूप है और शायद टाइम तो 5:30 बज रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है 6 बजे हम लोगों को आना चाहिए था इधर मे भी। शाम का टाइम हो चुका है, अब असल काफी ये देखिए कितना अच्छा नज़ारा, अच्छा बना हुआ है तो वहाँ पे उस साइड में पानी है सोच ना, उस साइड से भरा लो, उस साइड से वो सामने ड्रिंक वाटर लिखा हुआ, थोड़ा सा खारा है लेकिन अच्छा। रेस्टोरेंट बना हुआ यहाँ पे सारे इंडोर प्लांट से के चले रहे हैं, पहले इधर आते हैं हम लोग।
अंदर जा रहे हैं प्रेम मंदिर में। मंदिर में काफ़ी बढ़िया लग रहा है, हम लोग पापा घूम रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं सब लोग, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और हम लोग अभी शायद एंटर करेंगे, वो मेरे भी अंदर फ़ोन अलाउ नहीं है, लेकिन बाहर का नज़ारा जो है वो शानदार, सनसेट हो रहा है, इतना प्यारा दृश्य। और यहाँ पर लोग बैठे हैं क्योंकि पत्थर काफ़ी ठंडे हैं। ये हमारे जो बंदे थे वो ये देखो थक चुके हैं पूरी तरीके से, इन्हें बिल्कुल ही दम, ये गांव के लौंडे थक गए यहाँ पे आके। शाम का टाइम का दृश्य, कितनी भीड़ है यहाँ पे, देखिए निकलने का, हम लोगों ने पहले ही एंट्री कर ली थी तो हमें इस भीड़ का सामना नहीं करना पड़ा आज। टाइम हो चुका है और चाचा फोटोग्राफर हमारे, आंटी फोटोग्राफर, और ये भीड़, और आंटी, और मंदिर, और बेस्ट वे। डाकती रहो, दांत करती रहो, Thank you.
मंदिर में दर्शन करने के बाद हम लोगों ने थोड़ी सी शॉपिंग की। तो इस ब्लॉग को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं आपको वृंदावन के नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।